हेलो। 3 वीडियो पहले मैंने कहा था कि, और थर्ड पॉइंट ये है कि बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो मैं अपनी नेक्स्ट राइड पे निकल चुका हूँगा। लेकिन राइड कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ दिन सोचा कि मुझे इसका वीडियो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। एक्चुअली इस राइड पे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए मैं इस कन्फ्यूजन में था। एंड नाउ दैट यू आर सीइंग दिस वीडियो, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। वेलकम टू माई शिमला राइड। हेलो जी, क्या हाल, ठीक ठाक। एक और राइड की शुरुआत हो गई है और मैंने मोटो ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। 94 किलोमीटर्स में ऑलरेडी आ चुका हूं और टाइम अभी हो रहा है 8:53। इस राइड का प्लान बहुत ही स्पॉन्टेनियस बना। एक्चुअली ऑफिस से 3 दिन छुट्टी थी, बट मेरे पास इफेक्टिवली 2 ही दिन थे क्योंकि एक दिन मुझे थोड़ा सा काम था। एंड मुझे ये लग रहा था कि यार ये मौका मुझे मिस नहीं करना चाहिए। ऑल्सो मेरे कुछ दोस्त गए हुए हैं ऑलरेडी हिमाचल में, सो मैं सोचा यार चलो उनको थोड़ा सा कैचअप कर लूँगा और मेरी भी राइड हो जाएगी। तो अभी एट द मोमेंट मैं अकेला हूँ और मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स शिमला। और थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ तो जो लोग मेरे साथ चंडीगढ़ मोनी हिल्स वाली राइड में थे, इप्सित, पायल एंड समित, वो लोग अभी हैं तीर्थन वैली में और आज उनका प्लान है तीर्थन वैली से टूवर्ड्स शिमला आने का। तो मैं यहाँ से उनको शिमला में ज्वाइन करूँगा, वो लोग वहाँ से शिमला में आएंगे। होटल बुकिंग ऑलरेडी हमारी हो रखी है। सो ये प्लान है। बाकी बचा कल संडे, तो कल हम लोग वापस आ जाएंगे घर, वापस दिल्ली। कोई बहुत लंबा चौड़ा प्लान है नहीं, बना ही नहीं पाया। 3 दिन होते तो शायद मैं कर पाता, मैं भी तीर्थन में होता इस टाइम पे। मेरी कंडीशन इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है। मैं रात को सिर्फ 3 घंटा सोया, नींद ही नहीं आई मेरे को। रात को वीडियो अपलोड करी मैंने लगभग 10-11 के बीच में, उसके बाद मैं फ़ोन पे यूट्यूब पे वीडियोस देखता रह गया। पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई। फिर इसी वजह से मैं सुबह काफ़ी लेट निकला था। मैं निकला था अराउंड 7 o'clock और मैं सोचा चलो ठीक है, शिमला तक ही जाना है, ज़्यादा टाइम लगना नहीं, 9-10 घंटे लगने हैं, ठीक है थोड़ा आराम से ही जाते हैं। अभी भी मैं बहुत पेस नहीं कर रहा, आराम से ही जा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे थोड़ा सा जाग जाऊँगा, थोड़ा कंफर्ट बन जाएगा तो फिर थोड़ा सा हो सकता है खींच लूँ। और ये अच्छा रास्ता स्टार्ट हो गया है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15-20 किलोमीटर्स। चलो इसके मज़े ले लेते हैं थोड़ा सा। अभी का मेरा प्लान ये है कि मैं अम्बाला से पहले तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अम्बाला यहाँ से 55 किलोमीटर्स है लगभग, और देखता हूँ अगर कर पाया तो शायद चंडीगढ़ तक भी चला जाऊँ। अभी तक ओहो कहाँ जाएंगे क्रेटा वाले भाई साहब। तो या ये प्लान है इमीडिएट वाला, तो वहाँ पे रुकूंगा, पानी वानी पीऊँगा, थोड़ा सा फ्लैक्स करूँगा, उसके बाद आगे निकलूँगा। ओके सो अभी थोड़ी सी अजीब एक हरकत हुई जो मैं आपको बता रहा था ना, क्रेटा वाले अंकल कहाँ जाएंगे। उस क्रेटा में एक आंटी थी, वो पूछ रही, उनको वो पहचान गई कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो शी वाज आस्किंग मेरा चैनल क्या है चलते चलते। सो मैंने बता तो दिया थोड़ा सा चिल्ला के, आई डोंट नो समझिए या नहीं, लेट्स सी। चलो अच्छा है यार, मतलब पीपल डू नोटिस, पहचानते हैं कि हाँ ये बंदा काइंड ऑफ ट्रैवल ब्लॉगर है, काइंड ऑफ आई वुड से माई सेल्फ। हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक, इज इट रिकॉर्डिंग? आई थिंक सो यस। गोप्रो ने मुझे 2 बार धोखा दे दिया है। मैं अम्बाला में एक ब्रेक ऑलरेडी ले चुका हूँ एंड मुझे फिर से रुकना पड़ गया है जस्ट बिकॉज ये चल नहीं रहा है, रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट द हेल is the problem with this GoPro। या सो अभी मैं 227 किलोमीटर्स चल चुका हूँ. टाइम इज़ 10:52. ऑलमोस्ट 4 आवर्स हो गए मेरे को निकले हुए. एंड आई हैव डन 227 विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्पीड. मैं बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई जल्दी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया. ऑल्सो अम्बाला में जब मैंने ब्रेक लिया तो आई मेट वन ऑफ माई व्यूवर्स रोहित. थैंक यू सो मच यार, तुम पहचान गए, मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं. ऑल्दो हम लोग कमेंट्स वगैरह में काफ़ी बात करते रहे हैं. ऑल्सो रोहित और मेरे में कॉमन क्या है कि हमने अपनी Z900 लगभग सिमिलर डेज़ पे ली थी. सो मैंने जब अपनी Z900 की डिलीवरी ली थी तो रोहित के फादर वहाँ पे आए हुए थे पेमेंट करने के लिए, बुकिंग वुकिंग करने के लिए, आई बिलीव सो. एंड कुछ दिन बाद ही उसने अपनी Z900 ले ली थी. इट वाज रियली ग्रेट टू सी यू मैन. एंड काफ़ी अच्छी सेटिंग करी हुई है यार तुमने वर्क फ्रॉम होम की. 1 महीने का पहाड़ों से वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि मेरे को तो ऑफिस जाना पड़ता है. यू बीइंग फ्रॉम IT, चलो यू आर लकी कि यार ऐसे काम कर सकते हो तुम. एंड या आई होप यू एन्जॉय योर स्टे वहाँ पे प्राशर लेक पे. बच्चा बड़ा इंटरेस्टेड है बाइक में, इसको हाय बोल दे क्या? अच्छा लग रहा है. हेलो हेलो. लड़की थोड़ी सी डर गई. लड़का बड़ा खुश था देखते थे. So I've reached Zirakpur. एंड मुझे यहाँ पे बाहर ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत नहीं. सो वन फ्रेंड ऑफ माइन, वो पास में ही रहते हैं यहाँ ज़ीरकपुर में, तो उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया फॉर ब्रेकफास्ट. सो या अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बर्गर किंग पे रुका हुआ हूँ क्योंकि मेरे को रास्ता वास्ता पूछना था. समित से भी बात करनी थी कि वो लोग कहाँ पहुँचे. अपेरेंटली वो लोग तो बहुत पीछे चल रहे हैं, तो मेरे को डेफिनेटली वेट तो करना ही पड़ेगा शिमला में. और भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो देखते हैं. शिमला में वैसे थोड़ा बहुत घूम लूँगा अकेला. एंड दिस इज़ हाउ द बाइक इज़ लुकिंग राइट नाउ. मैं टेल बैग कैरी नहीं कर रहा. इनफैक्ट आई एम कैरिंग अ बैक पैक. जैसा अगर आप यहाँ देख सकते हो तो मैं एक बैक पैक कैरी कर रहा हूँ क्योंकि 2 ही दिन का था ट्रिप, तो इतना बड़ा टेल बैग कैरी करने का कोई पॉइंट नहीं था. आधे से ज़्यादा खाली ही रहता, तो बैक पैक में मैंने अपना सामान डाला. और चलो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो है लेकिन आई कैन मैनेज क्योंकि मैंने पहले भी किया है ऐसा, तो मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है. शिमला तक तो डेफिनेटली नहीं होगी. तो या अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं फ्यूल डलवाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. ये बंदा भी दिल्ली का ही है. केयर वेयर काफ़ी शानदार लग रहा है इसका. नाउ एट दिस मोमेंट मुझे नहीं पता था ये बंदा कौन है. एक्चुअली कुछ दिन पहले यूट्यूब सजेस्टेड वीडियोज़ में मुझे एक वीडियो आया गौरव जोन का जिसमें ही वेंट टू शिमला ऑन इज़ वाइट हायाबूसा. तो मुझे याद आया कि ये वाइट हायाबूसा तो मुझे मिली थी शिमला जाते टाइम. मेरे को लगा पहले पीछे पता नहीं कोई गाड़ी आ रही है जिसका साइलेंसर सुलेंसर फटा हुआ है या कुछ ऐसा. बाद में पता चला हायाबूसा है जब ओवरटेक करके गया मेरे को. कोई नहीं, फनी थिंग्स हैपन इन माई माइंड ऑफ कोर्स. तो है कालका वाला जो कट है और ये गया फटे साइलेंसर वाली गाड़ी. ओहो, ऐसे हिम्मत है यार ऐसे चलाने ना, इतनी लीन्ड पोजीशन में. मतलब आई वुड आई ओहो हो हो, मतलब आई कांट इमेजिन माई सेल्फ राइडिंग सच एन एग्रेसिव बाइक ऐसे टफ रोड्स पे. चलो बढ़िया है भाई, कर पा रहा है. चलो जी थोड़ी सी मैचिंग हो जाए हायाबूसा के साथ. आई विल ट्राई. आई डोंट नो ये बंदा कितना फास्ट है बट मैं भी कोशिश कर लेता हूँ. ही स्मूथ आवाज़ है हायाबुसा की, ये अच्छी लगी मेरे को। बहुत अग्रेसिव नहीं, शोर शराबा नहीं, स्मूथ, सुन के मज़ा आता है। ओहो चलो चलो चलो, ऐसे इतनी बड़ी बाइक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। स्ट्रेट में तो आई डोंट थिंक मैं इसको ओवरटेक कर पाऊँगा क्योंकि ये थ्रॉटल खींचेगा, मैं थ्रॉटल खींचूँगा, उसमें फ़र्क है। बट यार टर्न्स में थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि ये हैवी बाइक है। चलो अच्छा है यार। ये गड्ढे कब ठीक होंगे? अरे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, एक एक पिंच कर रहा है, एक एक गड्ढा पिंच कर रहा है। ओके सो मैं अभी एक शॉर्ट ब्रेक के लिए रुका था, पानी वानी पिया, थोड़ा सा फिर से फ्लेक्स किया क्योंकि मुझे 2 घंटा हो गया था निकले हुए, कंटिन्यूस चलाते हुए। अभी शिमला यहाँ से है 35 किलोमीटर्स एंड मेरी समित से बात हुई है तो समित कह रहा है कि ही इज़ ट्राइंग कि शिमला तक ही पहुँच जाए। तो अभी शिमला पहुँच के मुझे फिर से कॉल करना है एंड देखना है, अगर वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं तो आई विल गो टिल कुफरी और 1 घंटे का ट्रैवल ऐड हो जाएगा उसमें। तो स्टिल डाउटफुल है कि कहाँ रुकें। सो अभी मेरे को अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैं फटाफट एटलीस्ट शिमला पहुँच जाऊँ, 1 घंटा यानी 5 बजे तक मैं शिमला पहुँच जाऊँ। उसके आगे का प्लान देखते हैं क्या है। सो टाइम इज़ अराउंड 5:30, मैं शिमला पहुंच गया हूं एंड दिस इज़ हाउ आई पार्क माई बाइक एज ऑफ नाउ। देखते हैं आगे, वैसे तो इधर लगाना है बट आई रियली डाउट कि यहां से मैं नीचे उतार पाऊंगा बाइक को, बाइक हैवी है, गिर सकती है। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर हॉस्टल फॉर टुडे, थिरा शिमला एंड या सो 1 मिनट का वॉक है नीचे की तरफ। रोड तो ऐसी है जहाँ पे बाइक नहीं आ सकती, इवन लोकल्स भी मना कर रहे थे, कह रहे थे इधर मत लेके जाओ आप बाइक, ऊपर लाना मुश्किल हो जाएगा। सो रास्ता दिखा देता हूँ आपको, ऐसा कुछ रास्ता है। आसपास जंगल, हेलो जी, शिमला में पहुंच गया हूँ। काफ़ी कंफ्यूजन थी और काफ़ी डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि शिमला में ही रुकते हैं, नहीं तो विचार बन रहे थे कि कुफरी रुकेंगे या नारकंदा रुकेंगे, तो मुझे और थोड़ा सा आगे जाना पड़ता। बट अभी मेरी फ्रेंड से बात हुई है तो फिर वो लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे शिमला। तो मैंने यहाँ पे चेक इन कर लिया है, थ्रू हॉस्टल नाम है इस जगह का एंड हमारी ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग हो रखी थी। ओनली थिंग इज कि अगर प्लान में कुछ चेंज होता तो हमें ये कैंसिल करना पड़ता, फिर आगे कहीं पे कुछ देखना पड़ता। बट या डिसाइड हुआ है तो हम यहीं रुक गए हैं अब थ्रू हॉस्टल में एंड इट्स अ लवली रूम, बजट रूम है और हमने प्राइवेट इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास सामान बहुत सारा है, जैसे आप देख सकते हो सामान अपने पास बहुत सारा है। तो इसलिए डॉर्म बेड्स हमें सूट नहीं करते थे, हमें एक्चुअली स्टोरेज चाहिए था। बाइक सेफली ऊपर पार्क कर दी है प्राइवेट पार्किंग में जो अभी आपको दिखाई थी एंड वो जो नीचे लानी थी वो भी मैं ले आया जैसे तैसे। थोड़ी सी मेहनत लगी, अकेले करने में दिक्कत तो हुई बट कर लिया हमने जैसे तैसे। एंड इसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कैमरा में और कुछ कहने की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्नीज़ कर रहा था, मुझे सर्दी लग गई थी और मेरे अंदर बस इतनी ही हिम्मत थी कि मैं जा के डिनर ले आऊँ एंड हम सब लोग डिनर खा के सो जाएं।